de que la autoridad de Canadá para está superando con un dialecto. Y especial una cámara y यदि ईद के बाद अच आता है वर्तमान पर ईद के स्थान पर क्रमशः यह हो जाता है ई के स्थान पर य ऊ के स्थान पर व ई के स्थान पर र ई के स्थान पर ला देखे जाता है यह नियम है यदि हरत या अधिक ईद ईद का मतलब यदि ईद के बाद क्या ईद के बाद अच अच माने वर्तमान पर आए तो ईद के स्थान पर ई या बड़ी ई के स्थान पर ज छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर व और ईद का र या छोटा ऋत या बड़ा ऋत का र तथा लू का ल हो जाता है जिस व्यंजन के एक बार संयुक्त होंगे चाहे ई चाहे ऊ चाहे ई चाहे जिस अक्षर में अगर ई ऊ ईद भी संयुक्त वह इन प्रणों के निकल जाने पर अलंक हो जाता है अलंक का मतलब आधा अक्षर हो जाता है जैसे उदाहरण का अति ध्यान अधिकम जब हम अति बोल रहे हैं तो अंत में ई स्वर आ गया अति जब इतने से ई निकल जाएगा तव में तो तव में अलंक हो जाएगा अलंक का मतलब आधा अक्षर ई के स्थान पर यह बनेगा और अपने स्थान पर रहेगा तो अलग हो जाएगा ये अत अधिकम को मिला दे तो हो जाएगा अत्यधिकम ई का यह हो गया यह व्यंजन के जब और जुटा तो पूरा यह बन गया इसी प्रकार के अति धन अधिकम बराबर हो गया अत्यधिकम जैसे अति धन आ जा रहा है अति में तो हमने ई है ई पर है ना अति ई बोलते हैं तो हमने अंत में ई पर आ रहा है इसके बाद जब ई निकलेगा उसका हालत होगा तो बनेगा अत ई के स्थान पर यह बन जाएगा तो हो गया अत अभी तो आप लोगों को यह बिल्कुल देंगे तब क्या हो गया क्या आपको मिला दें तो हो जाएगा यह क्या क्या ई का यह हो गया यह हो गया आपको मिला तो आ बन गया तो हो गया अत्याचार इसी तरह से उद्यन आ गया ईद जब हो जाए तो अंत में ईश्वर आ रहा है जब तब में से ईश्वर निकलेगा तब का अनंत हो जाएगा तब का आराम मिलेगा ई के स्थान पर यह बन जाएगा अब पहला ई अपने स्थान पर रहेगा पहला ई अपने स्थान पर रहेगा ये अच्छा अलग होगा तो वही ई के स्थान पर यह बनेगा यह आज या मुद्रा के लिए आने के लिए आई क्या अधिक मिला के लिए क्या है ई का यह व्यंजन या मिला तो या इसी तरह से यह विधायक है जब यदि कर रहे हैं तो द पर स्वर ये निकल गया तो द अलग हो गया यह अपना स्थान पर व्यंजन आया को मिला देंगे यह जो गया आपको जोड़ देंगे इनका यह धन और बराबर यह इसी तरह से मध न लग गया जब मध वो धन चाहते तो वो आ रहा है मध न चाहते वो आ रहा है क्या है इक है इसके बाद और क्या है अचार समान को रहा इक के समान नहीं है उनके स्थान को वो बनेगा मां अपने स्थान पर रहेगा उनके स्थान को वो बनेगा अच्छा अनंत हो जाएगा तो हो गया मध अभी को जोड़ देंगे हो गया मध ऊ का व धन अ बराबर व बन गया जैसे टू धनात्म है जब टू हो जाए तो अंतिम ऊ का आगम क्या है ठीक है ठीक के बाद आ क्या है अच्छे आसमान पर ऊ के स्थान पर वो बनेगा अभी अच्छा अनंत होगा तो आधा तक मतलब व हो गया वो अपने स्थान पर या आ मुद्रा की तो आ आगे को मिला हो गया तो आ गया इसी तरह से अनु धन एक फल है जब अनु हो जाए तो अंतिम ऊ का आगम ऊ क्या है ठीक है इसके बाद ये क्या है अच अच है वर्तमान पर तो वो के स्थान को वो बनेगा न हो जाएगा अनंत आधा हो गया और अपने स्थान पर जो कट रहेगा ये जो है मात्रा के वो आप आगे हो गया परंतु मिला देंगे हम वही पर वो का हुआ
वो हमें एक गिलास में तो हो गया बी। इसी तरह से पितृ धन आज्ञा है, जब पितृ बोधन से ऋषि है ईख है, इसके बाद आचर स्थान पर है ऋषि के स्थान पर बनेगा हो जाएगा पुत्र। आप मंत्रा में यहाँ लागे पित्रा व्याकरण लागे पित्रा हरित कर धन आ बराबर आ हो गया पित्रा अज्ञा को गया। इसी तरह से मातृ धन आज्ञा अगर मातृ करण तो ऋषि है, इसके बाद के बाद आचार स्मरण पर स्थान पर बनेगा तो गया मात्र आगे मात्रा को मिला देंगे मात्रा अभ्या को मिला देंगे मात्रा के बाद। इसी तरह से धनाकृति है निर्दया है आचार स्मरण पर द्वितीय स्थान पर बनेगा आज गया मात्रा को मिला गया किसी को आकृति। देखिएगा अगला आया संधि का सूत्र है जो अयवाया हुआ, तो इसका नियम है जब एच के बाद एच क्या एच में क्या प्रत्याहार ए ऐ ओ अब इन क्या प्रत्याहार को एच कहते हैं। एच के बाद जब कोई असमान पर आए तो एच के स्थान पर क्रम कर ए के स्थान पर आए ऐ के स्थान पर आए ओ के स्थान पर आओ औ के स्थान पर आवाजी हो जाता है जब एच के बाद कोई असमान पर जैसे हम बोला नहीं करना जब नहीं करना तो न पर ए है ए क्या एच है एच के बाद और क्या है असमान पर ए के समान नहीं है इसलिए ए के स्थान पर अ बन जाएगा तो न में अ जुड़ेंगे तो हो जाएगा दाय और न में जब अन डालेंगे तो न धन अन बराबर बन जाएगा नय नाम। इसी तरह से जैसे ते धन अन है जब ते बोलता है तो ते में ए है ए एच है ए एच है एच में कौन है ए है ए के बाद अब आसमान पर आया ए के स्थान पर ए बन गया तो तब धन ए बराबर हो जाएगा है और धन अन मिलाएंगे तो हो जाएगा है ना। जैसे चे धन अन चे में ए है ए क्या एच है और क्या आसमान पर ए समान है ए के स्थान पर हो गए क्या धन ए बराबर बन जाएगा क्या है क्या ही मेरे नाम बोलोगे या व्यंजन है उसमें नाम बोलोगे क्या नाम हो जाएगा। जैसे नय धन का है नय अय क्या एच है इसके बाद असमान असमान पर है अय के स्थान पर क्या बन जाएगा ना न यह है जब अय के स्थान पर आ बन गए हो जाएगा ना आपका हुक्म ला दें हो जाएगा ना आय पर। इसी तरह से गय धन का गय में अय क्या एच है असमान पर है अय के स्थान पर आ हो तो गय धन आय बराबर हो जाएगा गाय आपका हुक्म ला देंगे गाय पर। जैसे को धन है जब को करें तो वो क्या एच है और इसके बाद असमान पर है ओ के स्थान पर हो गया प धन औ बराबर हो जाएगा पौ और न को दो दिन हो जाएगा प मन। जैसे भो धन है भव बने स्थान पर ओ क्या एच है एच का बात असमान पर है ओ के स्थान पर औ हो जाएगा भ धन औ बराबर हो जाएगा भव अन्ना को मिला देंगे हो गया मन। इसी तरह से ओ धनित्र ओ में वो क्या एच है ई असमान पर है ओ के स्थान पर हो गया तो हो गया पौ और ई को मिला देंगे वो आते पहले पौनी अतरा को जो देंगे पवित्र। जैसे पौ धन का है पौ में औ क्या एच है असमान पर औ के समान जो है औ के स्थान पर आवाज दिली तो पौ धन आओ बराबर हो गया पाओ आपका हुक्म मिला देंगे पाओ का। जैसे भाव धन पर है भाव में औ है और एच है वो असमान पर है और के स्थान पर आओ तो भाव धन आओ बराबर हो गया भाव और उसके वो मिला देंगे भाव को आप